लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बीपी गुप्ता और अमरनाथ तो मेरे हाथ आने से पहले मारे गए, इसलिए अकबर पर मैं खुद निगाह रखना चाहती हूँ। कोई ना कोई गलत काम तो वो जरूर करता होगा। एक बार किसी चक्कर में पकड़ा गया तो उसके हलक में उंगली डालकर पिताजी और दीदी के कत्ल का कन्फेशन उगलवा लूंगी। गुड आइडिया, गो अहेड। नमस्ते। माफ कीजिएगा, आप? मेरा नाम शांति है, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। हमसे? तशरीफ लाइए, आइए आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं स्वर्गीय अमरनाथ की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मरहूम अमरनाथ की दोस्त हैं। बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ। मगर मौत से किसकी रुस्तगारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। अब अचानक अमरनाथ के उठ जाने से मैं बिल्कुल बेसहारा हो गई हूँ। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अमरनाथ ने मुझसे वादा किया था कि वो आपके गैरेज में नौकरी दिलवा देंगे। मैं बीए पास हूँ, अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, तुम बिल्कुल ठीक जगह आई हो। क्योंकि तुम मेरे दोस्त की दोस्त हो, तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा हक बनता है भाई। और वैसे भी मुझे बिल्कुल तुम्हारी जैसे सेक्रेटरी की तलाश थी, बल्कि आज ही पेपर में इश्तिहार देने वाला था। अब खुदा का करिश्मा देखो, तुम आ गई। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। 2000 रुपये ठीक है ना? जी बहुत काफी है, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भाई वाह, भाई वाह। अल्लाह रे जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पहरन तमाम। वाह क्या बात है, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू। मैंने सुना था मैं किसी बर्थडे पार्टी में बुलाया गया हूँ। बिल्कुल ठीक सुना था। तो कहाँ है वो पार्टी, बाकी मेहमान सब कहाँ है? इस पार्टी में सिर्फ खास मेहमान को बुलाया गया है। ओ, लेकिन ये खास मेहमान तुम्हें शायद वो खुशी न दे सके जिसकी तुम उम्मीद लगाए बैठी हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम्हें उम्मीद क्यों छोड़ दूं? इसलिए कि मैं एक हत्यारा हूं। वैश्य जानवरों को मारने वाले को शिकारी कहा जाता है। कानून वैश्य जानवर को मारने वाले को फांसी नहीं देता, मगर जिस जानवर को मैंने मारा है और जिन दो जानवरों को मैं मारने वाला हूं उन्हें हमारा अंधा कानून आदमी कहता है। तुम्हारे खानदान को बर्बाद करके वो तीनों वैश्य अब तक जिंदा रहे ना, फिर तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? अरे मीना जी छोड़िए इन बातों को, आज आपका जन्मदिन है, कुछ मिठाई विठाई नहीं खिलाएंगे? I'm sorry, आइए ना। कुमारी मीना जी, दिन में ही सपने देखने लगी? कभी कभी दिन के सपने भी सच हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर से आंखें बंद कर लीजिए, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शांति, इनसे मिलिए, मिस्टर आशीष रॉय और मिस्टर हरीश शाह। इन्होंने हमारे गैराज से 30 कारें बुक की और ये है मिस शांति, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। मिस शांति, आप इन साहबान को मैनेजर के पास ले जाइए और एग्रीमेंट्स बनवा दीजिए। अच्छा जी, चलिए। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए।
तुम हमारे लिए बहुत लकी हो मिस शांति, वल्ला इतना बड़ा ऑर्डर तो पहले कभी नहीं आया। इसी खुशी में कल शाम को तुम्हारी दावत है हमारे घर, आओगी ना? जी हाँ जरूर आऊंगी। हेलो वाला, इसकी तारीफ अकबर साहब की नई सेक्रेटरी है। सलाम हुजूर। सलाम। आओ आओ आशिक अली, क्या खबर लाए हो? खबर तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताइए अभी अभी जो खूबसूरत लड़की आपके कमरे से गई है क्या वो आपकी सेक्रेटरी है? पर्सनल सेक्रेटरी। अरे कहाँ फंस गए जनाब, आपको मुकालता हुआ है, वो सेक्रेटरी वेक्टरी नहीं है, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर? जी हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर देवी सिंह। इंस्पेक्टर देवी सिंह, कपिल कुमार की बेटी अपने बाप के खूनियों को पकड़ना चाहती है, इसे आज ही उसके बाप के पास भेज दूंगा। मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। झूठ बोलता है ये, शर्म बोलता है, झूठ बोला है, मार खाएगा, बोल दे क्या बोल। सच बोलता हूँ, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। हेलो अकबर, कौन बोल रहे हैं मियां? अपनी मौत की आवाज भी नहीं पहचानता। ए कौन है तुम? यमराज उर्फ विजय कुमार, कपिल कुमार का बेटा। 30 साल पहले जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी उसमें तेरा भी हाथ था ना? बहुत दिनों गायब रह लिया, बहुत ढूंढवाया तुम तीनों ने, पर कोई बेटा अपने बाप के और कोई भाई अपनी बहन के हत्यारों की तलाश से थक नहीं सकता। तुझे जितना जीना था जी लिया, तुझे भी तेरे दोस्त अमरनाथ के पास भेजूंगा। तो अमरनाथ का खून तुमने किया, कहां हो तुम? हेलो। अरे मियां अकबर बोलता है। अकबर? अरे साला अकबर, अरे तुम हमेशा गलत टाइम पर घंटी बजाता है। नहीं नहीं, बहुत जरूरी बात बतानी है। अमर का खून ना विजय कुमार ने किया है। कौन विजय कुमार? इंस्पेक्टर देवी सिंह का भाई और महरूम कपिल कुमार का बेटा। ये दोनों भाई बहन हमारे पीछे लगे हुए हैं, मगर घबराना नहीं मियां। इंस्पेक्टर देवी सिंह का खात्मा करने के लिए मैंने जेकब को उसके पास भेज दिया है, और ये चूहा विजय कुमार अपनी मौत से मिलने खुद मेरे पास आ रहा है, मैं उसका खात्मा कर दूंगा, समझे ना? अरे अकबर, तुमने जिंदगी में आज पहली बार अकल की बात की है। देखो जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना, सीधा इधर जाना, हम तुम्हारे लिए शैंपेन का डब्बा कर रखेगा हम। भूल गया था।
तुम्हारी ही पिस्तौल है। कौन है तुम? विजय कुमार, कपिल कुमार का बेटा। नहीं मियां, मुझे मत मारो। तुम चाहो तो मैं अपना बंगला तुम्हें दे दूंगा, गाड़ी भी दे दूंगा, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। हाँ? दे दोगे? मेरे पिताजी की जान और मेरी बहन की आबरू दे सकते हो तो दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इन चीजों को छोड़कर मैं तुम्हें दुनिया की सारी चीजें दे सकता हूँ, मगर मुझे मत मारा, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। छी 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 छी, उस वक्त मैं एक छोटा सा बच्चा था, फिर भी मैं तुमसे लड़ा। लेकिन तुम इतने बड़े मर्द होकर मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे हो, थक बेशर्म कहेंगे। मियां, जितना जी चाहे गाली दे दो, मेरी जान बख्शता। अच्छी बात, तू इतना गिड़गिड़ा रहा है तो मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल चलो। उस दिन मुझे और मेरी माँ को रस्सी से बांधकर तुम पी रहे थे ना, आज भी पियो, पियो। कमान जिस वक्त मेरी बहन की आबरू लूटी जा रही थी, तुम लोग जश्न मना रहे थे, हंस-हंस के दारू पी रहे थे, तो आज भी पी। आज मैं तेरी मौत का जश्न मनाऊंगा। बहुत हो गया है, बस। अभी तो शुरू हुआ है। जलास खत्म, बोतल खत्म, अपना कोटा भी खत्म। अब मैं सोया हूं। नहीं, अब चल के नहा लो। रात को सोने से पहले जरूर नहाना चाहिए। उठो उठो। हाँ, हमारे बाथरूम किधर है? मियां, ऊपर है भाई, ऊपर। और किसने भेजा था? बोल, अभी याद आया? बताओ। बेटा अकबर सेठ ने भेजा था। अरे वो नहीं, बरसात शुरू हो गई। देखो, उतर जा टब में। नहीं, पहले तुम उतरो। ए चलो। दारू बोलता है पहले हम उतरेगा, मगर तुम नाना जो बाद में। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। क्या मजा आ गया, जीने का यही मजा है भाई। मैं से नहलाना मेरी मैयत को, दफन करना मुझे मैं खाने में। सर से नहा, अगर तेरा सर पानी से बाहर आया तो गोली से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। गोली मत चल, सर के बल घुसूंगा, बाहर नहीं दूंगा। अच्छा भाई।
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दूंगा।